कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम के दूसरे दिन उम्मीद से कम लोग वैक्सीनेशन के लिए आए। हेल्थ केयर वर्कर अभी और इंतजार करना चाहते हैं, उन्हें अभी भी इसको लेकर संशय और डर है। वो सुनिश्चित करना चाहते हैं कि उनके जिन साथियों ने वैक्सीनेशन कराया है वो ठीक हैं। इसके बाद ही वैक्सीनेशन के लिए वो सामने आएंगे। अभी हालात ये है कि फोन जाने पर रजिस्ट्रेशन के बाद भी लोग अलग अलग बहाने बनाकर इससे बचना चाहते हैं। कोई कहता है कि शहर से बाहर है तो कोई नाइट ड्यूटी का बहाना बनाता है। हेल्थ केयर वर्करों के डर की वजह से वैक्सीनेशन कम हो रहा है, लेकिन कोविन ऐप से सही से काम नहीं करने की वजह से भी वैक्सीनेशन पर असर देखा जा रहा है। हालात ये है कि LNJP में पहले दिन 32 तो दूसरे दिन सिर्फ 12 ही वैक्सीनेशन हो पाए। यहां पर ऐसी ही कुछ समस्या देखी गई, लेकिन एक सच ये भी है कि एम्स में वैक्सीनेशन के बाद 22 साल के एक सिक्योरिटी गार्ड को एडमिट करने की नौबत आ गई, जिसकी वजह से भी लोग डर गए। इसका असर वहां दिखा और पहले दिन की तुलना में वैक्सीनेशन की संख्या में काफी गिरावट आई। बारी बारी से लोगों को फोन किया गया, उसमें से कुछ आए और अधिकांश ने मना कर दिया। कोरोना वैक्सीन से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों को पाने के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ।